का कोई घटना हुई है, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो क्या माफी मांग लेंगे तो वो माफ कर देगा? और क्या दुश्मनी है उनसे? उनका हमारे बेहतरीन, मतलब मैं बचपन से उनका फैन रहा हूँ। ये सब तो हमारे जानकारी के अंदर नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मांगनी चाहिए। वाई आई डू नॉट नो द हिस्ट्री ऑफ व्हाट सलमान खान डिड टू बाबा सिद्दीकी और टू दिस वर्ल्ड व्हाट इज नेम शाहरुख। आई डोंट नो सिद्दीकी इंसिडेंट जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो हुआ है वो गलत हुआ है बाबा सिद्दीकी के साथ, क्योंकि हमारे वो 15 साल से यहाँ MLA थे हमारे बैंड्रा के अंदर और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे हमारे एरिए में। अब उनके साथ अचानक ये होना बोलो तो बहुत, अब इसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में कुछ लगा हुआ बिश्नोई का ही कुछ काम, हम लोग को तो ऐसा एहसास हो रहा है कि बिश्नोई इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि उसने सलमान खान को भी धमकी दिया है, उसके अंदर फायरिंग किया था और सलमान खान के अच्छे दोस्त थे बाबा सिद्दीकी, उनके साथ ही कुछ ये डराने के लिए उनको कहा गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है डराने के लिए उनके ये किया गया, सलमान खान को खास करके डराने के लिए किया गया बाबा सिद्दीकी, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। सो यही बोल रहे हैं कि वो सलमान खान के काफ़ी करीबी दोस्त थे, सो काफ़ी करीबी दोस्त है, काफ़ी कितने 20 साल से उनकी तो दोस्ती है, और इफ्तार पार्टी में हम लोग को भी दावत होती थी, हम लोग भी जाते थे रंग शारदा होटल में, हम लोग के लिए थी, और उनकी जो पार्टी होती थी सलमान शाहरुख के साथ में ये ताज होटल में होती थी, तो हमेशा हम लोग जाए जब भी देखे सलमान खान के साथ इनका मिलाओ, सलमान खान हमारे एरिए में घूमे भी उनके साथ रैली में उस वक्त पे जब हम छोटे थे तभी की बात है, तो वही मेरे हिसाब से जो है इसमें बिश्नोई का ही हाथ कन्फर्म लग रहा है मेरे को। तो आपको क्या लगता है सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, काय को मांगेगा माफ़ी, वो चीज़ हो गई थी 20 साल 25 साल पहले, अब तुम आज उठ के अचानक उसने वो चीज़ के लिए सज़ा भी काटी सलमान खान ने, अब वो अचानक अभी आप 20 साल के बाद 18 साल के बाद वो चीज़ को उठ के अपने आप को धमकी दे रहे हो एक हिरन की वजह से, ये गलत है। अगर वो सज़ा नहीं काटा होता तो आपको बोलना हक होता, उनने वो वक्त पे सज़ा काट लिया, हो गया सब हो गया, उसके बाद ये चीज़ कोई मतलब की नहीं आती। थैंक यू सर। ओके योगेश, या बाबा सिद्दीकी इंसिडेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोलना क्या चाहेंगे, मैं तो पहले उनको जानता ही नहीं था, जिस दिन उनकी डेट हुई थी तो उसी दिन नाम सुना था पहली बार मैंने, लेकिन अभी क्या है क्या नहीं है ये तो पता नहीं है। अच्छा ठीक है, सो आपने देखा जो बाबा सिद्दीकी इंसिडेंट है उसमें बोला जा रहा है कि सलमान खान है उनकी वजह से ये सब हुआ है, सो उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? देखो सोशल मीडिया पर वैसे तो मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी क्या है किसकी वजह से है ये सिर्फ एक आइडिया लगाया जा रहा है, कुछ जब तक कुछ साबित नहीं होता जब तक कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, सो आपको क्या लगता है सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए बिश्नोई समाज से? अब ये देखो उनकी और उनके बीच की बात है, अब क्या है उनका, अभी सलमान भाई अपने में वो अपने में है, अब जैसा भी होगा उन दोनों के बीच की टक्कर है, जैसा भी उनको अच्छा लगेगा दोनों सुल जाएंगे। थैंक यू सो मच। इंसिडेंट हुआ है बाबा सिद्दीकी इंसिडेंट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनका असल बात जो है तो पॉलिटिशियन में थे, उनका अचानक उनको गोलियां मार डाली, अच्छा नहीं हुआ उनके साथ में, पर उनके देखा जाए तो बहुत वायरल हुआ, वो वैसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ में। ओके सो बोल रहे हैं कि वो सलमान खान के दोस्त थे इस वजह से उनको ऐसा किया गया, तो उसके बारे में आपका क्या थॉट्स है? सलमान भाई का तो बहुत फुल सपोर्ट था उनको, कि मतलब ये है ऐसा है कि वो बहुत पहले से थे ना उनके साथ रिलेशन, उनका भी अच्छा था ना काफ़ी टाइम से, तो उन लोग से उनको तो कुछ कंसर्ट नहीं होगा। सो आपको क्या लगता है सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? नहीं, भाई को तो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। एनी पर्टिकुलर रीजन? नहीं, क्योंकि उनकी गलती है नहीं ना कुछ। थैंक यू सो मच। ओके सो दीप्ति, व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट द बाबा सिद्दीकी इंसिडेंट? अचानक हुआ है, उनके थोड़ा शॉक तो हुआ था, बट लेकिन क्यों किस लिए कुछ इन्फॉर्म नहीं, पता नहीं, और थोड़ा अफसोस है कि अच्छे इंसान थे। ओके सो ऐसा बोला जा रहा है कि जो रीज़न है उनके इंसिडेंट का वो सलमान खान है, सो वो दोस्ती की वजह से शायद उन्हें टारगेट किया गया है। सोशल मीडिया पे तो यही देखने को सुनने को मिल रहा है कि सलमान खान की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। तो आपको क्या लगता है सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? देखिए, इस इंसिडेंट को तो काफ़ी साल हो गए जिसके लिए वो सजा भी भुगत के आ गए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके सो इकबाल जी, जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, कोई भी बोलेगा कि बहुत गलत हुआ है,
क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है मुंबई जैसी जगह पे, जहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लोग फ्रीली घूमते थे, और एक ऐसे लीडर का मर्डर हो जाता है तो ये बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस की सरकार का बहुत बड़ा फेलवर है ये, और उसकी वजह से आज लोगों में डर का भी माहौल है, लीडर हों या फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हों। अब देख रहे हैं हम न्यूज़ में कि सलमान खान ने अपने कई प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा फेलवर है, सरकार का है, इंटेलिजेंस का है, मुंबई पुलिस का है, कि वो किस तरीके से लोगों के एक बार फिर से लोगों का जो भरोसा है वो बहाल करती है मुंबई में। सो आप जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ सलमान खान जो हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है, सो आपका इस बारे में क्या थॉट्स है? देखिए, सलमान खान की वजह से इसको कैसे जोड़ सकते हैं? सलमान खान अलग हैं, बाबा सिद्दीकी अलग फील्ड से हैं, और सलमान खान भी क्या वजह हो सकती है? बोल रहे हैं कि वो सब दोनों काफ़ी करीबी दोस्त थे तो इसलिए। नहीं तो वैसा तो करीबी आप देखेंगे तो फिर वो अनंत अंबानी भी सलमान खान का बहुत करीबी है, सबसे ज़्यादा अंबानी है, तो क्या उनकी हिम्मत है कि अंबानी के ऊपर भी हमला करेंगे? नहीं है, बात सिर्फ इतना है कि लोग कड़ी से जोड़ रहे हैं, यह बेवकूफ़ी वाली बात है। सीधे सीधे क्राइम हुआ है, बहुत बड़ा क्राइम है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कोई खास नहीं है कि सलमान खान के पूरी फिल्म इंडस्ट्री खास है, इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि सबके ऊपर हमला होगा। लेकिन बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया है ये एक बड़ा जांच का विषय है, और ख़ास तौर से मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे ये लगता है कि मारा गया है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, इसके लिए मारा गया। और बड़े मुसलमान थे, पैसे वाले थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बिजनेसमैन थे, बिल्डर थे, बड़े राजनेता बड़े थे, तो उनको सिर्फ इसलिए मारा गया है क्योंकि आज ये देश में चल रहा है कि मुसलमान को दबाओ मारो, और जिस तरह से लोगों के मर्डर हो रहे हैं, और लेकिन ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए और मुंबई के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो आपको क्या लगता है, सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, अगर किसी का कोई घटना हुई है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो क्या माफ़ी मांग लेंगे तो वो माफ़ कर देगा? और क्या दुश्मनी है उनसे? जो बातें देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो मीडिया को होती है, आप में भी मीडिया से हैं, अभी घटना यहाँ घटी और बोल दिए कि वो बिश्नोई का हाथ है, उनका हाथ है भी कि नहीं, ये मीडिया ने ये पैदा किया हुआ है, वो तो जेल में बंद है ना, कौन गया इंटरव्यू लेने की, उसने बोल दिया कि मेरा हाथ है या मैंने कराया है। ये कड़ी जोड़ना चाहिए कि क्राइम हुआ कहाँ से, ये सिर्फ बोल देना कि बिश्नोई समाज का है, लॉरेंस का हाथ है, और ऐसा ना हो कि असली अपराधी गायब हो जाए, असली अपराधी तक पुलिस ना पहुंच पाए, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बिश्नोई समाज का कोई मुद्दा है, ये क्राइम का बहुत मुद्दा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है मुंबई पुलिस को भी। मैं एक मुंबई करके नाते यही रिक्वेस्ट करूँगा मुंबई पुलिस, क्योंकि भाई कि मीडिया जिस तरह से बोल देती है कि बिश्नोई समाज का हाथ है या लॉरेंस का हाथ है, लॉरेंस तो अंडर कस्टडी है, वो क्या करेगा वहाँ से, सवाल ना कैसे कर पाएगा वो वहाँ से, ये ध्यान भटकाने के लिए, एक तड़का लगाने के लिए, ब्रेकिंग लगाने के लिए इस तरह का मुद्दा हमेशा सनसनी मचाई जाती है, बाद में पता चलता है कि नहीं कुछ और मैटर था, मेरा ही राय है। थैंक यू सो मच। सो अरमान, जो बाबा सिद्दीकी केस है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर, मुंबई की पुलिस को हम बेहतर जानते हैं, समझते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने सिंडिकेट क्रैक किया, छोटा सा ये था, पता नहीं कहाँ से ये कोई गैंग आया और कुछ करके चला गया। जैसे अगर इतने बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं, मैं तो एक कॉमन पर्सन हूँ, मैं कैसे सुरक्षित हो सकता हूँ? मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस के साथ साथ हमारे देश की जनता को भी, साथ में पॉलिटिकल लीडर्स को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई किसी को मार के चला जाए, अब हम इंटरनेट युग में हैं, अब कैमरा सर्विलेंस चारों तरफ है, अगर कहीं कुछ कमी है तो मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आम नागरिक जो नागरिक होते हैं उनकी सुरक्षा का की जिम्मेदारी सरकार पे है, वो करना चाहिए। इस हत्या की मैं कम्प्लीटली मतलब जितनी निंदा हो सके मैं करता हूँ। बाबा सिद्दीकी को हम लोग जानते हैं, मैं चूँकि मुंबई का हूँ और उनके बहुत सारे काम को मैं जानता हूँ, उनकी बहुत सारी पार्टियों को हमने देखे हैं, मतलब ही वॉज अ वेरी जनरल पर्सन, बहुत अच्छे और ऐसा नहीं। जो है इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से बाबा सिद्दीकी का जो भी इंसिडेंट हुआ है वो उसमें हुआ है, तो आपको लगता है सलमान खान का कोई इन्वॉल्वमेंट है और सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं नहीं, वो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि ये हत्या पे अगर बातचीत करते हैं, अगर इस क्राइम पे बातचीत, ये नहीं होना चाहिए, वो उस पे कमेंट करने के लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ और मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, हालांकि मैं बिश्नोई समाज आजकल इंटरनेट युग में सारी खबरें में पढ़ता हूँ। लेकिन जहाँ तक इस क्राइम की बात है, इस
मतलब हत्या की बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये फेलियर है हमारे सरकार की या फिर मुंबई पुलिस की, चाहे बड़े बड़े हमने बहुत बड़े बड़े गैंग्स देखे हैं हिंदुस्तान में जो कहीं ना कहीं क्राइम करके चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी छोटा मोटा गैंग ऊपर आगे निकल के जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? इस पर मैं कमेंट बिल्कुल नहीं करता हूँ। सलमान खान हमारे बेहतरीन, मतलब मैं बचपन से उनका फ़ैन रहा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं 40 के आसपास है, हमने उनकी फिल्मों को देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। अगर आप बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बारे में पूछेंगे तो मैं सिर्फ बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बारे में ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। एज अ नागरिक, मैं भी एक नागरिक हूँ, कल कोई बंदा मुझे मार के चला जाएगा, चाहे मेरा गुनाह कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस जो हत्या हुई है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें मुंबई पुलिस पता नहीं फेलियर हो, सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर। सो गुड्डू भाई जी, जो बाबा सिद्दीकी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उनको अच्छे आदमी थे, कांग्रेस पार्टी से 3 बार MLA हो चुके हैं हमारे रहते हुए, मैं 12 साल का था तभी से उनको जान रहा हूँ इधर ये एरिया में, और जो भी किए हैं अच्छा किए हैं। बैंड स्टैंड भी वही उन्हीं के हाथ का ये उद्घाटन हुआ है, समझे, और सेफ्टी उनको देना चाहिए था, गवर्नमेंट को ऐसा मालूम है तो उनको सेफ्टी देना चाहिए था, और हमको तो बहुत बुरा लग रहा है, इनको होना नहीं चाहिए था, और जो भी ऐसा किया है उसको कार्रवाई अच्छा होना चाहिए था, और ज़्यादा दिन नहीं लगना चाहिए, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर देना चाहिए कि सामने वाले को भी ऐसा नहीं हो, और क्या बोलूँ। ठीक है, लाइक लोग कह रहे हैं कि सलमान खान के वो दोस्त थे इस वजह से उनकी हत्या की गई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी बात नहीं है, वो तो पुराने दोस्त हैं उनका, हम जब ये MLA का दूसरी बार टिकट मिला था इनको ना, कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे, तो पहले ही सलमान खान से उनकी अच्छी दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है, ये गलत है कि वो अभी से दोस्ती किए हैं, उनका पुरानी दोस्ती है, मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं 12-13 साल का नहीं बोल रहा हूँ, तब से यहाँ पे ये एरिया में हूँ, आज 22-23 साल हो गया, तब से जान रहा हूँ कि उनकी दोस्ती पुरानी है, अच्छी दोस्ती है। जो सलमान खान है, आपका क्या कहना है, उनको बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए? किस चीज़ के लिए? जो उन्होंने पिछले, मतलब आपने, आपको पता होगा ना वो हिरन केस जो उनका था, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं इसी वजह से उनकी, जो भी सलमान खान के ऊपर हमला हुआ है वो सब यही कह रहे हैं कि उन्होंने ही कराया जिन्होंने बाबा सिद्दीकी का हत्या करवाई है, जो उन्होंने हिरन मारा था उसकी वजह से। सो आपको क्या लगता है, आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए सलमान खान को या नहीं? देखो, हमको इस बारे में मालूम नहीं है, ये मालूम है कि हिरन मारे थे कि क्या हुआ था इसके बारे में नहीं मालूम है, और इसका तो मेरे ख्याल से कुछ हो गया था, सब ख़त्म हो गया था, इसको तो मालूम नहीं है। देखो, इसके लिए हमको जो नहीं मालूम है हम उसके लिए नहीं कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच अंकल। ओके मिस्टर फर्नांडिस, सो बाबा सिद्दीकी इंसिडेंट जो हुआ है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज दिस इज आई थिंक सम लाइक टेररिस्ट टाइप ऑफ बॉडी वे से सम टेररिस्ट लाइक एक्ट और टेररिस्ट लाइक रिवेंज और समथिंग लाइक दैट, इट इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम ब्लैक दिस थिंग यू नो ऑल ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल दिस ऑल गुंडागिरी इज गोइंग ऑन ऑल दैट इज इन दैट इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल दैट गुंडागिरी। सो पीपल आर सेइंग जस्ट बिकॉज बाबा सिद्दीकी वाज फ्रेंड्स विद सलमान खान सो दिस इज द रीजन व्हाई दे डिड दैट। आई डोंट थिंक सो, ईच वन हैज देयर ओन प्रेफरेंस टू हु टू टारगेट, हु टू कीप एंड हु टू सेव, दैट इज पीपल दैट डिपेंड्स ऑन ईच वन इंडिविजुअल परसेप्शंस। मे बी इफ आई एम फ्रेंड ऑफ विद बाबा सिद्दीकी, आई नो आई शोक हैंड विद हिम आल्सो, सो दैट डजंट मीन आई एम you can come and shoot me because of that, that is something stupid. So what do you think, Salman Khan should apologize to them or they should not? Why should, I do not know the history of what Salman Khan did to Baba Siddiqui or to this fellow, what is his name, Shah Rukh. I don't know, they are all Muslims, no doubt, Muslims are always friends, so they will always support each other, maybe in good or times or bad times also, but they are always friends, will always be friends. सिद्दीकी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? अरे बहुत अच्छा आदमी था, मार दिए गए बदमाश लोगे, बहुत अच्छा आदमी था,
काम अच्छा किया था बम्बई में, बांद्रा के नंबर में, किसी गरीब को सताया नहीं था, बराबर। सो जैसे बोल रहे हैं वो सलमान खान जी के दोस्त थे, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, तो उसके बारे में मालूम नहीं है, कितना मेरे को मालूम है, ये एक अच्छा काम किए थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, बांद्रा के अंदर में अच्छा काम करके दिए हैं, किसी गरीब को हाय नहीं लिए थे। सो आपके आप क्या कहना चाहोगे ये इंसिडेंट के बारे में, कि ये गलत था या सही था? गलत था, गलत था। ओके, थैंक यू। ओके, जो बाबा सिद्दीकी वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? यही कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओके, सो जैसे बोल रहे हैं जो सलमान खान की वजह से जो हुआ है वो इंसिडेंट हुआ है, सो उसके बारे में आपका क्या थॉट्स है? जी नहीं, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते। ओके, और आपको लगता है सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए? ये सब तो हमारे जानकारी के अंदर नहीं है, क्या है उन लोगों को, उनके बारे में बात हम नहीं बता सकते कुछ।